आपको चाय मिलेगी इस कप में गरम गरम। हेलो इन्वेस्टर्स, आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं हमारी स्विंग ट्रेड की परफॉर्मेंस। हमने रिकमेंड किया था कॉनकॉर, कॉनकॉर ने 7% की रिटर्न दी है 5 दिनों में। दूसरा स्टॉक था डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी ने 50% की रिटर्न दी है 9 डेज में। इसे हमने कॉल स्प्रेड के थ्रू बाय किया था। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन थी बर्जर पेंट, बर्जर पेंट ने 19% रिटर्न दिया है 12 डेज में। इसे भी हमने कॉल स्प्रेड के थ्रू बाय किया था। आने वाले फोर्टनाइट के लिए हमारी रिकमेंडेशन है डाबर, डाबर को हम स्विंग ट्रेड के लिए बाय करेंगे। इसका करंट रेट है 519 जो कि फ्राइडे की क्लोजिंग का रेट है, और इसका एसएल रहेगा 500 का, और इसके टारगेट रहेंगे 530, 545 एंड 570। इस स्विंग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। हम बाय करेंगे 530 की कॉल को जिसका करंट रेट चल रहा है 10.6, और हम सेल करेंगे इसके अगेंस्ट 550 की कॉल को जिसका रेट चल रहा है 5.15। इसमें रिस्क इज टू रिवार्ड 1:2.5 का रिस्क इज टू रिवार्ड है। 7K का हमें लॉस हो सकता है और 18K का हमें प्रॉफिट हो सकता है। यह है डाबर का डेली चार्ट, और इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं। सारे इंडिकेटर्स हटा दिए हैं मैंने। अभी ये सिंपल डाबर का चार्ट है। इसमें जो पैटर्न बना है वो कप एंड हैंडल का पैटर्न बना है। ये कप का पैटर्न है और ये हैंडल बन चुका है। इसके बाद में इसमें ये रेजिस्टेंस लेवल था जिसे इसने ब्रेकआउट कर दिया है, और अब ये एक ऊपर की छलांग के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर ये कप और हैंडल पैटर्न सक्सेसफुल होता है तो आपको इतनी ही मूव और ऊपर की साइड में मिल सकती है। और इसकी जो लेंथ है वो 80 पॉइंट्स की है, तो 80 पॉइंट्स यहाँ से आप जोड़ लीजिए, 580 तक ये आसानी से जा सकता है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है पैटर्न, तो आपको चाय मिलेगी इस कप में गरम गरम। और एक छलांग इसने वॉल्यूम के साथ यहाँ पे दे भी दी थी, और उसके बाद में ये नीचे आया है, और यहाँ से अब हम स्विंग ट्रेड इसमें ले रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसकी ऊपर की दिशा। इसमें मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, वो आप जरूर ध्यान से देखें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स रहेगी, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। इसे हम बाय करेंगे अपने स्प्रेड के थ्रू, और इस स्प्रेड के लिए जो हमें पेमेंट करनी होगी वो सारी डिटेल हम जान लेंगे। यह है NSE की वेबसाइट जहां पर हमने डाबर का ऑप्शन चेन एनालिसिस देखेंगे। यह है डाबर की कॉल की साइड, और यहां है पुट की साइड। हम कॉल के साइड पे ही कंसंट्रेट करेंगे, और स्ट्राइक प्राइस जो हमने सेलेक्ट की है वो है 530 की, जिसका करेंट रेट है 10.6 का, और जो हमने कॉल बेचनी है वो है 550 की जिसका करंट रेट है 5.15। तो जान लेते हैं इसके लिए हमें जो पेमेंट करनी होगी वो कितनी होगी। तो इसके लिए, इस कैलकुलेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं जीरोधा मार्जिन का, और यहाँ पे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस रेट के लिए आपको कितना पेमेंट करना होगा। 29th अक्टूबर की मैंने कॉल को सिलेक्ट कर लिया है, 530 की कॉल को हम बाय कर रहे हैं, तो ये बाय का लगा दिया मैंने प्राइस, और 1250 इसकी क्वांटिटी है, और 550 की कॉल को हम करेंगे सेल। तो यहाँ पे हमें सेल को सेलेक्ट करना है, सेल को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उस पूरी स्ट्रेटेजी के लिए हमें जो अमाउंट पे करना पड़ता वो 87,000 था, लेकिन सेबी के रेगुलेशन के बाद में सिर्फ हमें जो पेमेंट करना होगा वो 23,000 के अप्रोक्स हमें पेमेंट करना होगा इस कॉल को सेल करने के लिए। और जो इस कॉल को हम बाय कर रहे हैं उसके लिए हमें अप्रोक्स 13,250 के आसपास हमें इन्वेस्ट करना होगा। अब अच्छे से समझने के लिए इस स्ट्रेटेजी को मैंने ओरेकल सॉफ्टवेयर का यूज किया है। इसमें मैं आपको किस तरह से यूज करके इसका हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो भी मैं समझा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सिंबल डाबर टाइप कर दिया है, और डाबर की कॉल और पुट सारी की सारी इसमें आ चुकी है। हम इसमें सिर्फ कॉल में काम कर रहे हैं, तो पुट को हम डिसलेक्ट कर लेंगे, और हम आउट ऑफ द मनी कॉल पे काम कर रहे हैं, तो ATM को हटा देंगे। यहाँ पर आप ग्रिक्स के भी सारे पैरामीटर को देख सकते हैं, सिर्फ आपको ये बटन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ITM, प्रोबेबिलिटी, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, सारे के सारे ऑप्शन के पैरामीटर यहाँ पे दिखाई दे देते हैं। तो हमें क्या करना है, हम 530 की कॉल को हम बाय करेंगे, और इसके अगेंस्ट हम जो कर रहे हैं 550 की कॉल को सेल कर रहे हैं। तो हमने इन दोनों चीजों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, इसकी क्वांटिटी यहाँ डाल देते हैं 1250। 530 की कॉल की स्ट्राइक को हम बाय कर रहे हैं तो इसे लॉन्ग कॉल रहने देंगे, और 550 की कॉल को हम शॉर्ट कर रहे हैं तो हम इसे शॉर्ट कॉल करेंगे। इसके लिए अप्रॉक्स हमने 23,000 की प्रीमियम पे करनी है, तो वो अमाउंट भी यहाँ पे हमने डाल दिया है। तो हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल प्रॉफिट, मैक्सिमम पोटेंशियल रिस्क, ये सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाती है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 18,100 के आसपास होगा, और ये सारी की सारी ब्रेक इवन और पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे बन के अपने आप आ जाती है। और हम इसे ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं, तो ये है ग्राफ।
यह है हमारी स्ट्रेटेजी की ग्राफ, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डाबर अगर 550 यहाँ पे रेट आ रहे हैं 450, 500, 550, 600, 650, 700, तो 550 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, और इसके नीचे में हमें अगर 530 के नीचे क्लोजिंग देती है डाबर तो हमें लॉस ही लॉस होगा, और हमारा लॉस बिल्कुल लिमिटेड है। यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं हमारा लॉस 6800 के आसपास लिमिटेड है, और हमारा प्रॉफिट भी चाहे डाबर कितना भी बढ़ जाए लेकिन आपका प्रॉफिट भी यहाँ लिमिट हो जाएगा, और वो रहेगा 18187। और इसमें इस पूरे ग्राफ में एक और खासियत है, आप इसे एक्सपायरी डेट के हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके हिसाब से आपका कर्व बन के आ जाता है। ऑप्शन ओरेकल बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जहां पे अपनी आप स्ट्रेटेजी बना के चेक कर सकते हैं कि कैसा इसका रहेगा रिस्क इज टू रिवार्ड, किस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं, पूरे ग्राफ सारे कॉन्फ़िगरेशन आप इसमें कर सकते हैं। तो डाबर की स्विंग ट्रेड जो हमने दी है वो 12th अक्टूबर से लेकर 24th अक्टूबर तक वैलिड है, इसके बाद में आपको जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो स्क्वायर ऑफ कर देना है। इसके बारे में मैं गाइड करता रहूंगा हर दिन। 530 की कॉल को बाय करने के लिए हमने जो पेमेंट किया है वो 13,000 के अप्रॉक्स है, और 550 की कॉल को हम सेल करने के लिए 22,800 का पेमेंट किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 36,000 के अप्रॉक्स, तो आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम 40,000 के अप्रॉक्स होना चाहिए तभी आप इस ट्रेड को लें। उसके अलावा आपका अगर इससे कम इन्वेस्टमेंट है तो आप इस ट्रेड में काम ना करें। और मेरी पहली टिप स्विंग ट्रेड के लिए ये है कि आप डॉक्टर रेड्डी और बर्जर का ग्राफ या फिर एक्सेल सीट जरूर देख लें एक बार। और दूसरी टिप ये है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं या फिर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो आप ये ट्रेड ना लें। आप अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, आप अगर होल्डिंग कैपेसिटी आप में है 5-7 दिन के लिए आप होल्ड कर सकते हैं तो ही आपको ये ट्रेड लेना है। और तीसरी टिप मेरी ये है कि अगर आपको सफिशियंट प्रॉफिट हो तो आप उसे बुक करके निकल जाना भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है। अगर लेने के साथ साथ आपको 10% 15% के आसपास रिटर्न मिल रहा है आपका तो आप इससे बुक करके निकल सकते हैं कभी भी। ये तीनों ही टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप स्विंग ट्रेड लेते हैं तो। इस स्ट्रेटेजी में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 18,100 का और मैक्सिमम लॉस है 6,800 का। तो आपका डिफाइंड एसएल मैंने यहां डिफाइन कर दिया है कि 4,500 का लॉस जिस दिन आपको स्क्रीन पे दिख जाए आप इस पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे जो कि 12.5% ऑफ योर कैपिटल लॉस होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लग रही है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।